हेलो दोस्तों, स्वागत है रेल फैंस आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। जी हां दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो भी होने वाला है अबाउट फेस्टिव स्पेशल ट्रेन के बारे में, और साथ ही मैं पहले ही बोल दूं ये ट्रेन सर्विस होने वाला है बिटवीन धर्मानगर से लेकर सबरूम के बीच में। तो एंड तक बने रही इस वीडियो में। अगर कोई उस साइड से देख रहे यानी धर्मानगर के अगर कोई पीपल्स देख रहे या त्रिपुरा के अगर कोई पीपल्स देख रहे तो दोस्तों इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूं कि फेस्टिव स्पेशल ट्रेन जो कि है तो कब से स्टार्ट होने वाला है, और साथ ही जो कि कॉमर्शियल एंड मेजर स्टॉपेजेस, साथ ही जो कि अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग, तो सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोस्तों। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से मैं पहले ही बोल दूं तो नेक्स्ट वीडियो है अबाउट जो कि NTS वेबसाइट के बारे में आने वाला है, जो कि आप लोग जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है, तो आप लोग कैसे ट्रेन जो कि कैंसिलेशन या कैसे ट्रेन जो कि ऑपरेट हो रहा है तो आप लोग देख सकेंगे लाइव। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, और साथ ही इस चैनल में आप लोग पहली बार के लिए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो कि बेल बटन है तो बेल बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे अपडेट्स आप लोगों को मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूं जैसे कि मैंने बोला धर्मानगर और सबरूम के बीच में चलने वाला फेस्टिव स्पेशल ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों ये ट्रेन नंबर होने वाला है 05682 फ्रॉम धर्मानगर। तो धर्मानगर से 05682 ये ट्रेन नंबर होने वाला है जो कि सबरूम तक चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो कि ऑपरेटिंग जो कि डेज है तो ये सिर्फ चार ट्रिप्स के लिए चलाया जाएगा दोस्तों। तो ये भी सिर्फ चार ट्रिप्स के लिए चलाया गया है ट्रेन सर्विस। तो धर्मानगर से चार ट्रिप्स के लिए और साथ ही सबरूम से भी चार ट्रिप्स के लिए ये ट्रेन चलाया जाएगा, यानी धर्मानगर से चार दिन और सबरूम से चार दिन चलाया जाएगा। तो धर्मानगर से जो कि ऑपरेटिंग डेज है तो आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी 3 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑफ 2021, और ये चलाया जाएगा अप टू 6 तक। जी हाँ दोस्तों, धर्मानगर से 6 नवंबर तक ये ऑपरेट होता रहेगा। तो दोस्तों फ्रॉम 6/11/2021 आप लोगों को मैं स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो 6 तारीख तक ये चालू रहेगा। तो ये ट्रेन सर्विस जो कि धर्मानगर से इसका डिपार्चर टाइमिंग होगा तो मॉर्निंग 8:45। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग 8:45 को इसका डिपार्चर टाइमिंग होगा फ्रॉम धर्मानगर। और ऐसे जो कि स्टॉपेजेस है कुमारघाट, मनु, जीरानिया, अगरतला, उदयपुर, जलाईबाड़ी, सबरूम, और उसके बाद जो कि कमर्शियल स्टॉपेजेस अगर आप लोग देख सकते हैं पानी सागर, पेंचरथल, तो ऐसे ही जो कि कमर्शियल स्टॉपेजेस है तो इन स्टॉपेजेस पर भी रुकाया जाएगा दोस्तों। तो अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग आप लोग जो कि अकॉर्डिंग टू स्टॉपेजेस आप लोग देख सकते हैं, जैसे कुमारघाट में 9:43 में इसका अराइवल है और सिर्फ 2 मिनट्स का हॉल्ट है, तो 9:45 में इसको डिपार्ट किया जाएगा फ्रॉम कुमारघाट। तो ऐसे ही जो कि अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग से आप लोग खुद भी देख लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया अबाउट कुमारघाट के बारे में। तो सबरूम पहुंचाया जाएगा 14:50 यानी दोपहर को, यानी आफ्टरनून को 2:50 में ये पहुंचा दिया जाएगा सबरूम में। और सबरूम से इसका जो कि रिटर्न जर्नी होगा तो रात को, जी हाँ दोस्तों, 21:15 यानी रात को 9:15 में इसका सबरूम से डिपार्चर होगा। और उसके बाद ऐसे ही जो कि रुक के जो कि जलाईबाड़ी इसका जो कि अराइवल होगा तो 21:45 यानी 9:45 में जलाईबाड़ी में इसका अराइवल रहेगा, और 2 मिनट का हॉल्ट है और 47 में छोड़ दिया जाएगा, 21:47 में इसको डिपार्ट किया जाएगा फ्रॉम जलाईबाड़ी। फिर उदयपुर, अगरतला, जीरानिया, मनु, कुमारघाट, धर्मानगर ऐसे ही पहुँचा दिया जाएगा ये ट्रेन सर्विस जो कि चलाया जाएगा। तो इसका जो कि अराइवल है धर्मानगर में तो 3:20, जी हाँ दोस्तों, यानी नेक्स्ट डे ही आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि रात 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे ही आप लोग बोला जाएगा। तो नेक्स्ट डे आप लोग बोल सकते हैं धर्मानगर 3:20 यानी रात ही बोलता है अभी, जैसे कि वो मॉर्निंग टाइम तो नहीं है तो रात ही बोलना पड़ेगा। तो 3:20 यानी 3:20 में इसको धर्मानगर अराइवल मतलब पहुंचा दिया जाएगा, धर्मानगर पहुंचा दिया जाएगा। तो फिर से धर्मानगर से सेम फिर से मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 8:45 में इसे छोड़ा जाएगा। तो ऐसे ही जो कि ट्रेन सर्विस है तो धर्मानगर तक भी 6 तारीख तक ही ऑपरेशनल रहेगा फ्रॉम सबरूम। तो सबरूम से भी आप लोग देख सकते हैं आज से स्टार्ट हो चुका है 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक ऐसे ही चलाया जाएगा फ्रॉम धर्मानगर टू सबरूम एंड सबरूम टू धर्मानगर तक ही चलाया जाएगा ये ट्रेन सर्विस। तो टोटल कंपोजिशन अगर बोलना जाए तो 12 कोचेस का ये, जी हाँ दोस्तों, टोटल 12 कोचेस का ये ट्रेन होने वाला है। स्लीपर क्लास भी इसमें अवेलेबल होगा 2, फिर बाकी सब जनरल क्लास का जो कि कोचेस है वो लगाया जाएगा। तो टोटल 12 कोचेस का ये ट्रेन होने वाला है। तो यही है एक छोटा सा अपडेट, और साथ ही अबाउट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के बारे में अगर बोलने जाऊं PRS यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में, तो ये फ्रॉम 4 नवंबर से कुछ जो कि काउंटर्स पर ये बंद रहेगा, क्योंकि ड्यू टू दिवाली, जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू काली पूजा एंड दिवाली की वजह से ये जो कि मैं आप लोग ऑन स्क्रीन भी आप लोग को दिखाना आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो ये कैंसिल रहेगा दोस्तों। मैं आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, आप लोग देख सकते हैं ऑपरेशन ऑफ PRS ऑन अकाउंट ऑफ दीपावली और काली पूजा ऑन 4/11/2021 इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द नोटिस रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ ऑल PRS ऑफ NF रेलवे, यानी NF रेलवे जोन में कुछ काउंटर्स खुला होगा और कुछ बंद होगा क्योंकि ड्यू टू दीपावली।
जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू दीपावली बंद रहेगा, तो आवर्स आप लोग देख सकते हैं, तो जिस जिस जगह पर ये बंद रहेगा तो 14 to 20 ये बंद रहेगा, 14 hours 20 hours ये बंद रहेगा ऑन 4 नवंबर को बंद रहेगा कुछ काउंटर्स पर। तो यही सूचना दिया गया है NFLU की तरफ से। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को देख के अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छे एक वीडियो आने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।